रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, सो हरी ली ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर, यस, अभी हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, सो ओपन योर नोट बुक्स एज वेल, ठीक है। राइट डेट एंड डेट, ड्रॉ मार्जिन लाइन, और टॉपिक आपको प्रिपेयर करना आता है। वैरायटी एंटरटेनमेंट्स आप लिखेंगे। प्रायोरिटी में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर हान कॉल द क्लास टुगेदर। मिस्टर हान, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कॉल्ड द क्लास टुगेदर फॉर अनाउंसमेंट, ANNOUCEMENT। मिस्टर हान ने क्यों क्लास को अनाउंस किया था? डिड है तो कॉल की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, कॉल्ड, ठीक है। मिस्टर हान कॉल्ड द क्लास टुगेदर फॉर अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट की स्पेलिंग मेरे क्लियर नहीं है तो आपने यहाँ से पीछे बुक से देख लेने हैं, ठीक है। ये देखिए, मिस्टर कॉल क्लास टुगेदर फॉर अनाउंसमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज डिड द चिल्ड्रन थिंक ही वॉज गोइंग टू गिव दैम। उनका फेस देख लेगा तो गुड न्यूज हो गए। चिल्ड्रन थाट इट वुड बी अ गुड न्यूज। मैं ये आपको लिख देती हूँ ताकि ईजी रहेगी। चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन थाट THOUGHT, टीचर चिल्ड्रन थाट इट वुड अ गुड न्यूज, क्योंकि उनके फेस पे स्माइल थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्री पे क्वेश्चन है, जो सी पोर्शन आपका, हाउ डिड मिस्टर हान लुक एट अली एंड वाई। मिस्टर हान ने अली की तरफ कैसे देखा था? मिस्टर हान जब अली बातें कर रहा था कि मुझे मैजिक शो बहुत अच्छा लगता है, तो मिस्टर हान ने उसे गुस्से की तरफ देखा था। ये पेज नंबर आ जाए पीछे 39 पे, ये देखें, मिस्टर हान स्टेड एट हिम विद द लुक दैट किल। यहां से करेंगे आप, मिस्टर हान स्टेड एट हिम विद द लुक दैट किल बिकॉज BECAUSE CAU, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग। ये इसकी जगह आप लिखेंगे बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वहां पे है ना कि वाई भी है, तो आप क्या लिखेंगे, मिस्टर हान स्टेड एट हिम विद अ लुक दैट कुड किल बिकॉज ही वॉज टॉकिंग, ठीक है। सो ही को रेज करके आप, सो ही स्टॉप किसी को रेज करके आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग। यही थ्री क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने लर्न एंड राइट करने। आई होप ये आपको क्लियर हो। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।